हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिशा स्टाइल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला फेस्टिव मेकअप लुक। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये वाला मेकअप लुक मैंने स्पेशली दुर्गा पूजा मेकअप लुक क्रिएट किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। सो सबसे पहले मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। सो वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट की हेल्प से डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन दोनों शेड को मिक्सअप करके मैं एक एंगल ब्रश की हेल्प से आईब्रो को फिल कर रही हूँ। सो आईब्रो फिल करने के बाद आईब्रो पुली की हेल्प से आईब्रो को कॉम कर रही हूँ। उसके बाद मैलियो का ये वाइट कंसीलर की हेल्प से मैं अपने आईब्रो को थोड़ी सी शार्प और एजी करने के लिए इस तरीके से कट क्रीज कर रही हूँ। सो इस तरीके से कट क्रीज करने से आपके आईब्रो बहुत ही ज़्यादा शार्प दिखेगी। उसके बाद कंसीलर को एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सेम कंसीलर को मैं अपने आईलिड पर अप्लाई कर रही हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं रिमेल का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ कंसीलर को अच्छे से सेट करने के लिए। उसके बाद स्विस ब्यूटी ब्लश पैलेट के हेल्प से मैं दोनों पिंक और पीच दोनों शेड को मिक्स करके मैं क्रीज लाइन पे एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से क्रीज लाइन पे अच्छे से शेड को ब्लेंड कर रही हूँ और थोड़ी सी मैं अपनी आई की आउटर वी पे ही फोकस करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद ब्यूटी ग्लेस की आई शेडो पैलेट में से पर्पल शेड को पिक करके आउटर वी से लेकर के क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो ब्लेंड करने के बाद सेम कंसीलर की हेल्प से मैं कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ अपने हाफ आईलिड पे। सो कट क्रीज को ड्रॉ करने के बाद स्विस ब्यूटी की ये शिमर ले रही हूँ लूज पिगमेंट इन द शेड 07। सो ये शिमर को मैं अपनी पूरे आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर लिया है। उसके बाद पर्पल शेड को मैं अपने आउटर वी से लेकर के क्रीज लाइन पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ थोड़ी सी शार्प करने के लिए। उसके बाद वेट टिश्यू की हेल्प से सब कुछ अच्छे से फॉल आउट को रिमूव किया है। उसके बाद एसेंस की लिक्विड आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ी सी विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं ये बायोटिक की टी ट्री टोनर अप्लाई कर रही हूँ पूरे फेस पे। सो टोनर को अप्लाई करने के बाद मैं ये ग्लैम 21 का ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। ये एज अ मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करती है, इल्यूमिनेटर फेस को ग्लोई और ड्यूई फिनिश भी देती है और ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज करती है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद ये मैं मियोन का फिक्सेट कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एज ए फाउंडेशन की तरह। आप इसके जगह फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। माई शेड इज 03। उसके बाद वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये कंसीलर मेकअप की तरह फिनिश देती है। आप देख सकते हो मेरे जो पिगमेंटेशन है कितने हद तक हाइड किया है। सो बहुत ही अच्छी कवरेज दिया है। सो आप इसके जगह पे कोई भी फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, आपकी कोई फेवरेट फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। सो अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद नेक को भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की कंसीलर अप्लाई किया है इन दी शेड 03। सो हाईलाइटिंग के लिए अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। सो कंसीलर, ये कंसीलर बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स और ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और उसके बाद मैं फेस को अच्छे से लूज पाउडर की हेल्प से सेट कर रही हूँ। सो सेट करने के बाद सेम जो पीची पर्पल शेड जो मैंने अपने आईलिड पे अप्लाई किया था उसी सेम शेड को मैं अपनी लोअर वाटर लाइन लैश लाइन पे भी अप्लाई किया है। उसके बाद केनिका के पर्पल काजल को मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई किया है। उसके बाद मैं ये मेबलिन की मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ लैशेस को कर्ल एंड कोट करने के लिए। उसके बाद स्विस ब्यूटी ब्लश पैलेट में से मैं कॉन्टोर शेड को पिक करके मैं अपने फेस को कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। मैं अपनी चीक को एट फर्स्ट कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। उसके बाद मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टोरिंग कर रही हूँ और पिंक एक ब्लश को पिक किया है सेम पैलेट में से और ब्लश को मैंने अप्लाई किया है चीक पे। सो आप देख सकते हो इसका पिगमेंटेशन कितना अच्छा पिगमेंटेशन है। सो इस पैलेट के ऊपर भी फुल रिव्यू मैंने किया है, आपने अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स, बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है। सो उसके बाद मैं ये
हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर इन दी शेड प्रीसियस पेटल। सो मैं अपनी सेम हाइलाइटर को मैं अपनी आई की इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद स्विस ब्यूटी की ये डार्क ब्राउन लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, लिप को लाइन कर रही हूँ। आज मैं अपनी लिप्स को थोड़ी सी ना ओम्ब्रे इफेक्ट देने वाली हूँ फ्रेंड्स। सो लिप लाइनर की हेल्प से अच्छे से लाइन करने के बाद मैं ये वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। माई शेड इज़ कीप मी मोचा, बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल न्यूड शेड है। उसके ऊपर मैं एक पीची पिंक न्यूड शेड की अप्लाई किया है, ये है एसेंस का लिक्विड लिपस्टिक इन दी शेड 04। आप देख सकते हो मेरे लिप्स कितना अच्छा ओम्ब्रे इफेक्ट आई है। उसके बाद मैंने फॉल्सेस अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं पूरे फेस को सेट करने के लिए ये फेस स्कैंडा का मेकअप फिक्सर अप्लाई किया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। आई होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक पसंद आई होगी। ये फेस्टिव मेकअप लुक आप किसी भी ओकेशन पर क्रिएट कर सकते हो। सो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ग्लोई और ड्यूई फिनिश आई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स आपको ये वाला मेकअप लुक कैसी लगी। सो बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।